मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधु ने आज नैनीताल में बनिया नाला में हो रहे भूस्खलन स्थल का संबंधित अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान लोनिवी विभाग के चीफ इंजीनियर संजय शुक्ला ने बलिया नाला ट्रीटमेंट हेतु कार्य आपको बता दें कार्य हेतु अब तक शुरू की गई कार्यवाही से मुख्य सचिव को अवगत कराया है और मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया है कि शासन स्तर बलिया नाला ट्रीटमेंट के संबंध में जो भी कार्यवाही की जानी है उन्हें प्राथमिकता के साथ शीघ्र पूरा किया जाएगा ताकि विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर चरणबद्ध तरीके से ट्रीटमेंट कार्य शुरू किया जा सके। संजय शुक्ला ने बताया कि उच्च न्यायालय के बनिया नाले भूस्खलन के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई थी जिसकी रिपोर्ट के आधार पर DPR बन चुके हैं। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में पर्यटन को ध्यान में रखते हुए कुछ अन्य कार्य भी किए जाने हैं जिसके बाद भूस्खलन क्षेत्र के ट्रीटमेंट के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। एक हाई पावर कमेटी हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने बनाई थी, उसके दिशा निर्देशों में ये इसकी DPR बन चुकी है और इसका प्रेजेंटेशन हमारे माननीय मुख्य सचिव महोदय के समक्ष हो चुका है। इसमें टूरिज्म के दृष्टिकोण से भी कुछ पॉइंट्स थे, उसको और ऐड किया जा रहा है और इसके उपरांत उसका जीओ हो जाएगा और इसमें हम इसकी टेंडर कार्रवाई शुरू कर देंगे।